नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे अवतार और अंधा कानून फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं अवतार फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अवतार सन 1983 में आई एक फैमिली ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में राजेश खन्ना, शबाना आजमी, ए के हंगल, मदन पुरी, गुलशन ग्रोवर, शशि पुरी, सचिन और यूनुस परवेज नजर आए थे। इस फिल्म को मोहन कुमार ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस भी उन्होंने किया था। इस फिल्म की कहानी मुश्ताक जलीली ने लिखी थी। इस फिल्म को 11 मार्च सन 1983 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 1,60,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 3,75,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 10,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 72,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 7,00,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 7.2 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 11वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे, पर फिल्म का एक गाना चलो बुलावा आया है, ये गाना सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिसे अब भी लोग सुनते हैं। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म को देखने के बाद उस समय के कई माता पिताओं ने अपना घर अपने बच्चों के नाम पर नहीं किया था, क्योंकि उन्हें डर था कि अवतार फिल्म जैसा ना हो जाए। नंबर 2, सन 2003 में आई बागवान फिल्म अवतार फिल्म से ही इंस्पायर्ड थी। नंबर 3, इस फिल्म को राजेश खन्ना साइन नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनका कैरेक्टर बहुत बड़े एज का था, पर उस समय उनका करियर ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने ये फिल्म साइन किया था। और इस फिल्म की सफलता के बाद राजेश खन्ना की एक्टिंग को काफी सराहा भी गया था। नंबर 4, इस फिल्म का टाइटल पहले राधा रखा गया था पर बाद में इसे बदल कर अवतार कर दिया गया था। नंबर 5, इस फिल्म के लिए राजेश खन्ना को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन मिला था, पर इतनी अच्छी एक्टिंग करने के बावजूद भी उन्हें अवार्ड नहीं मिला था। अब जानते हैं अंधा कानून फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। अंधा कानून सन 1983 में आई एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, हेमा मालिनी, रीना रॉय, माधवी, प्राण, प्रेम चोपड़ा, डैनी डेंजोंगपा, अमरीश पुरी, मदन पुरी और ओम शिव पुरी नजर आए थे। इस फिल्म को MT रामा राव ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था पूर्णा चंद्र राव अतलोरी ने और इस फिल्म की कहानी शोभा चंद्रशेखर ने लिखी थी। इस फिल्म को 8 अप्रैल सन 1983 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2,30,00,000 था और इस फिल्म ने इंडिया में 5,00,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 13,00,000 का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 86,00,000 का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 10,00,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म हिट साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 6.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की 5वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिए थे और इसके लिरिक्स आनंद बख्शी ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने हिट रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म के विलन्स का नाम अमर अकबर एंथोनी रहता है, जो कि अमिताभ बच्चन की एक फिल्म का नाम है। नंबर 2, ये फिल्म रजनीकांत की पहली हिंदी फिल्म थी। नंबर 3, ये फिल्म सन 1981 में आई तमिल फिल्म सत्तम उरु इरु तरई की हिंदी रिमेक थी। नंबर 4, ये फिल्म अमिताभ बच्चन और प्राण की पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें प्राण विलन बने नजर आए थे और इस फिल्म में अमिताभ और प्राण के साथ में कोई भी सीन नहीं था। नंबर 5, इस फिल्म में धर्मेंद्र ने एक ट्रक ड्राइवर बनकर कैमियो किया था। नंबर 6, इस फिल्म की शूटिंग अमिताभ बच्चन ने बस 5 दिनों में ही पूरी की थी। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।